जिस तरह से शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, ठीक उसी तरह लोग सदियों से ईगल को आसमान का राजा कहते हैं। एक ऐसा राजा जो शिकार के मामले में दुनिया भर में अपना थाक जमाए रखा है। आसमान में मंडराते इस यमदूत का खौफ जंगल में रहने वाले शेर से लेकर पानी में तैरने वाले मगरमच्छ और यहाँ तक कि आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी है। और हो भी क्यों ना, एक ईगल के चंगुल से किसी का भी बच पाना बहुत ही मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 भयानक ईगल अटैक के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 10, स्टेलर सी ईगल अटैक्स किटीवेक बर्ड्स। स्टेलर सी ईगल दुनिया के सबसे बड़े ईगल में गिना जाता है और यह उड़ते हुए भी काफ़ी आसानी से शिकार कर लेता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, किटीवेक बर्ड्स भी बड़ी तादाद में अंडे देने के लिए जमा हुई है। तभी आसमान में नज़र आता है एक स्टीलर सी ईगल। जैसे ही नज़र पक्षियों पर पड़ता है, वैसे ही आसमान में अपने 6 फीट लंबे पंखों को फैलाकर घूमते हुए शिकार के सही मौके का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही वह मौका आता है, यह ईगल एक बुलेट की तरह नीचे आता है और उनमें से एक बर्ड को पकड़ने का कोशिश करता है। लेकिन किटीवेक बर्ड्स को भी इस ईगल के बारे में भली भांति पता होता है, लेकिन फिर भी एक ईगल ने किटीवेक बर्ड को पकड़ ही लिया। नंबर 9, ईगल अटैक स्नेक। बाज आसमान में उड़ रहा होता है, तभी उसकी नज़र ज़मीन पर एक सांप पर पड़ती है। सांप को आसान शिकार समझकर बाज उस पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ बाजी उस पर उल्टी पड़ जाती है। दरअसल जैसे ही बाज सांप पर हमला करता है, सांप बाज के पंजों को अपने शरीर में लपेट लेता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक जंग चलती रहती है। आखिरकार बाज हार मानकर खुद को बचाने की जद्दोजहद में लग जाता है। हालांकि बाज को सांप से खुद को बचाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी बाज सांप के चंगुल से बच निकलता है। नंबर 8, मार्शियल ईगल अटैक्स ऑन लिजार्ड। ऐसे तो मार्शियल ईगल को अफ्रीका का सबसे बड़ा ईगल माना जाता है, मगर एक मोनिटर लिजार्ड के सामने यह जरा सा ही लगता है। इसके बावजूद भी मार्शियल ईगल ने एक मोनिटर लिजार्ड मार गिराया है। मोनिटर लिजार्ड की लंबाई लगभग 8 फीट तक होती है, यानी कि एक आम इंसान से ज़्यादा, लेकिन एक ईगल के सामने उसकी एक नहीं चली। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक ईगल ने इतने बड़े विशाल जानवर को अपने पंजों से दबोच रखा है। वही मोनिटर लिजार्ड खुद को बचाने का कुछ नाकाम कोशिशें कर रहा है। नंबर 7, ईगल अटैक्स ऑन क्रेन। आपने तो ऑलरेडी देख ही लिया है कि ईगल दूसरे पक्षियों को मारने से बिल्कुल भी नहीं कतराता है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होने वाला है। यहाँ क्रेन पक्षियों का बहुत बड़ा सा ग्रुप उड़ता हुआ जा रहा है और तभी वहाँ ईगल आ जाता है। उन ईगल को देखकर क्रेन समझ जाते हैं कि उनके मौत का फरमान लेकर आए हैं। वे ईगल दरअसल बच्चे क्रेन का शिकार करने के फिराक में हैं। ईगल चाहे कितना भी बड़े ताकतवर क्यों न हो, एक जवान क्रेन का शिकार हवा में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रेन पक्षी फुर्तीले होते हैं, मगर ये ईगल भी मंझे हुए शिकारी लगते हैं। इसीलिए ये क्रेन को झुंड से अलग करने के फिराक में कामयाब भी हो जाते हैं। जैसे ही वो क्रेन पक्षी अलग होते हैं, ईगल बुलेट की तरह आता है और उनसे अपने चोंच से पकड़ लेता है। वैसे तो ईगल बहुत सारे वजन लेकर उड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी इस क्रेन पक्षी को लेकर उड़ने में ऐसे बहुत दिक्कत होती है और वे नीचे गिरने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में फिर से वह क्रेन पक्षी को लेकर उड़ जाता है। नंबर 6, ईगल अटैक्स माउंटेन बेबी गोट। जानवरों के बच्चे ईगल के सबसे बड़े पसंदीदा खानों में से एक होते हैं, क्योंकि उनका शिकार करने में ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है और वह खाने में ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। अगर वह बच्चा किसी बकरी का हो तो बात ही कुछ और है, खाने में भी ज़्यादा और स्वाद में भी अच्छा। यहाँ इस ईगल को आसमान में मंडराते हुए देख ये बेबी माउंटेन गोट डर के मारे भाग रहे हैं, लेकिन ये ईगल उस पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक ये झुंड में है। ये बस अभी बकरियों के अंदर सिर्फ खौफ पैदा कर रहे हैं, ताकि वो सब अपनी जान बचाने के लिए झुंड से अलग होकर इधर उधर भागने लगे। सब कुछ ईगल के प्लान के हिसाब से ही हो रहा है और बकरियाँ झुंड से अलग हो चुकी है, जिनमें से एक को ईगल ने अपने पंजों में दबोच रखा है। नंबर 5, ईगल अटैक्स ऑन लैंड। वैसे तो ईगल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, लेकिन उनका सामना जंगल के राजा शेर से हो जाए तो क्या होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि ईगल की हार होगी तो आप गलत हैं, क्योंकि ईगल के सामने तो शेर का भी सीटी पीटी गुल हो जाता है। हालांकि शेर के साथ उसका मुकाबला बराबरी का होता है, क्योंकि दोनों ही बेहतरीन शिकारी माने जाते हैं। इन दोनों के अंदर अपने शिकार को धर दबोचने की अमेजिंग स्किल्स है। नंबर 4, गोल्डन ईगल वर्सेस जैक रैबिट। गोल्डन ईगल ईगल के सबसे खूंखार प्रजातियों में से एक माना जाता है और उनके शिकार करने की तकनीक भी लाजवाब है। जब किसी शिकारी को देखते हैं तो अपने पंजों को खोलकर लगभग 300 किलोमीटर प्रति आवर की गति से भी तेज रफ्तार से उस पर हमला बोल देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
कैसे गोल्डन ईगल एक जैक रैबिट पर हमला बोलने के फिराक में है। हालांकि जैक रैबिट का भी रफ्तार कुछ कम नहीं होता है, यह लगभग 64 किलोमीटर पर आवर की गति से खुद को बचाने के लिए भाग सकता है। ये रैबिट झाड़ियों में से भागकर खुद को बचाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन ईगल भी छोड़ने वालों में से नहीं है। नंबर 3, गोल्डन ईगल अटैक्स हेयर। इस वीडियो में गोल्डन ईगल एक हेयर का शिकार करने वाला है। यह मासूम सा हेयर इस खतरनाक ईगल को देखकर कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं। इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, इसीलिए अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देता है। लेकिन साथी ईगल हवा में अपने पंख लहराते हुए तेजी से उनका पीछा करता है। वही दूसरी तरफ हेयर खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में लगा है, लेकिन वह खुद को नहीं बचा पाता और ईगल का शिकार बन जाता है। नंबर 2, ईगल अटैक ऑन ईगल। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ईगल कितना खतरनाक होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा होगा कि ईगल का सामना अगर ईगल से हो जाए तो क्या होगा। दरअसल इस वीडियो में एक ईगल ने दूसरे ईगल पर हमला कर दिया है और इस लड़ाई में दोनों ही ईगल जख्मी हो गए हैं और ज़मीन पर गिर गए हैं। नंबर 1, हार्पी ईगल अटैक्स ऑन मंकी। कई लोग हार्पी ईगल को ईगल में सबसे खतरनाक और खूंखार शिकारी मानते हैं, और ये ईगल ज़्यादातर अपना शिकार पेड़ पौधों और जंगलों के बीच में करते हैं। वैसे ही जैसे ये हार्पिक ईगल एक बंदर का शिकार करने के लिए आया है, इस पेड़ पर चढ़े सभी बंदर इस बात से अनजान हैं कि उनका मौत आसपास ही है। और कुछ देर के मशक्क़त के बाद ईगल को एक बंदर मिल ही जाता है, जिसे ईगल ने अपने पंजों में दबोच कर मार डालता है।